हेलो दोस्तों, मैं सरिता कुब्बे सरिता में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सरसों का साग रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। सरसों के साग को जैसा कि हरे पत्ते वाली सब्जियों से बनाया जाता है, जो कि बहुत हेल्दी होता है, और सर्दियों में हरे पत्ते वाली सब्जियाँ बाजार में बहुत आती भी हैं। आप इस वीडियो को फॉलो करके ट्रेडिशनल सरसों का साग बना सकते हैं। तो चलिए सरसों का साग बनाना शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए 400 ग्राम सरसों। जब भी आप सरसों लें, उसके पत्ते हरे होने चाहिए और उसकी जो डंठल स्टेम है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। यदि मोटी स्टेम है तो आप उसको निकाल दें। आप केवल उन्हीं स्टेम का यूज़ करें जो सॉफ्ट हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा साग बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और उसके जो रेसे हैं वो हमारे मुँह में नहीं आएंगे और साग भी हमारा बहुत जल्दी अच्छे से गल जाएगा। तो मैं इस साग को क्लीन कर लूँगी, इसकी जो सॉफ्ट स्टेम है उसको निकाल लूँगी, पत्ते निकाल लूँगी और इसको अच्छे से 4 से 5 पानी से धो लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सरसों को साफ करके अच्छे से धो लिया है। सरसों का साग बनाने के लिए अब मैं लूँगी पालक, जो कि 200 ग्राम है। सरसों की तरह इसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। इसके जो सॉफ्ट डंठल हैं, हरे पत्ते हैं, उनका मैं यूज़ करूँगी और मोटे डंठल को मैं निकाल दूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पालक को अच्छे से साफ कर लिया और इसको अच्छे से पानी से धो लिया है। सरसों का साग बनाने के लिए और मैं लूँगी बथुआ, जो कि 200 ग्राम है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मिस ना करें। बथुए को भी मैं पालक और सरसों के साग की तरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसकी जो सॉफ्ट स्टेम है उसको मैं लूँगी और हरे पत्तों को मैं लूँगी और मोटे डंठल को मैं निकाल दूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बथुए को भी मैंने अच्छे से साफ करके पानी से धो लिया है। यहाँ पर मैंने 3 तरह के साग यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसमें आप मेथी और थोड़ा सा सोया भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट साग हैं जिसको आप मिस ना करें। अब मैं तीनों साग, सरसों, पालक और बथुए को बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो आप इसे चॉपर में भी काट सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तीनों साग काट लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। साग को मैं कुकर में बनाऊंगी। ट्रेडिशनली इसको हांडी में बनाया जाता है, जिसको बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, डिपेंड ऑन आपकी साग की क्वांटिटी कितनी है। तो मैं इसको कुकर में बनाऊंगी, जिससे कि ये बहुत ही कम टाइम में हम इसको बना पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 कप पानी। अब मैं कुकर में डालूँगी हमारा काटा हुआ साग। साग को आप धीरे धीरे करके डालें, जैसे ही साग नीचे बैठता जाए आप उसमें धीरे धीरे से आप साग को ऐड करते जाएं। जब भी आप कुकर में साग बना रहे हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको कुकर को एकदम से बंद नहीं करना है, कि जैसे ही आपने साग डाला और आपने कुकर बंद कर दिया, जब तक इसका साग नीचे नहीं बैठता है हल्का सा, तब तक आप इसका ढक्कन बंद ना करें। नहीं तो इसके जो लीफ है, जो पत्तियाँ हैं, वो जाकर कुकर की सीटी में अटक जाएंगी और जिससे कि हमारा कुकर के फटने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें, जब साग आपका थोड़ा सा बैठ जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब उसके बाद आप इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। आप जब भी नमक डालें हरे पत्ते वाली सब्जियों में, तो नमक थोड़ा कम डालें, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियों का अपना एक सॉल्टी टेस्ट होता है। और मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। आप अदरक को काट कर या ग्रेट करके डालें। और मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन आप अच्छे से डालें, ये क्योंकि ये हमारे साग के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और मैं डालूंगी 4 हरी मिर्च। साग को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, साग थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, हल्का सा नीचे बैठ गया है। तो अब मैं लगाऊंगी इसका ढक्कन और इसको 2 से 3 सीटी आने तक हम पकाएंगे। कुकर से प्रेशर निकल गया है, अब मैं इसके ढक्कन को खोलूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना अच्छे से हमारा साग पक गया है। अभी इसको घोटना बाकी है, तो मैं इसको पोटैटो मैसर, पाव भाजी जो मैसर रहता है, उससे मैं इसको घोटूंगी। अगर आपके पास मथानी है, घोटनी है, तो आप उससे उसको घोट सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको मिक्सी में ना चलाएँ, ना ही इसमें ब्लेंडर चलाएँ। आप इसको इसी तरीके से पोटैटो मैसर से या मथानी से या घोटनी से आप इसको घोटें। जब भी आप साग को घोटें, तो आप उसको या तो गैस से उतार लें या फिर गैस की फ्लेम को लो करके आप घोटें। जैसा भी आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से करें।
जैसा कि आप देख सकते हैं साग हमारा बहुत अच्छे से घुट गया। मैंने इसको पोटैटो मैसर से बहुत अच्छे से घोट दिया है। अब साग को बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डालूंगी मक्के का आटा। यहाँ पर मैंने आधा कप मक्के के आटे को 2 कप पानी के साथ घोला है। काफ़ी लोग मक्के के आटे को बिना पानी में घोले भी डाल देते हैं, लेकिन उससे जो लंप रहते हैं, गांठें रहती हैं, वो पड़ जाती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको हमेशा पानी में घोल कर डालें, जिससे कि आपके जो उसके लंप बनने के चांसेस हैं वो नहीं रहेंगे। मक्के का आटा डालने के बाद आप साग को अच्छे से मिक्स कर दें और साग को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें छींटे बाहर आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें साग को ढाक कर पकाना है। साग मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप गर्म पानी। साग को हम मिक्स करेंगे और इसको ढाक कर हम लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाएंगे। साग को हमें बीच बीच में चलाते जाना, नहीं तो जो मक्के का आटा है वो जाके तले में लग जाएगा और आपका साग जल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बीच बीच में चलाते जाना है। साग को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साग हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। इसमें जो बाइंडिंग हुई वो बहुत अच्छी हुई है। मक्के का आटा भी बहुत अच्छे से पक गया है। इसमें सरसों के साग को खटास देने के लिए यहाँ पर मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। जैसे कि ये ट्रेडिशनल साग है जो मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैं टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सरसों साग का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें देंगे हम तड़का। तड़के के लिए मैं एक पैन में गर्म करूँगी 2 टेबल स्पून घी। जैसे ही घी गर्म हो जाता है उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा को हम थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हींग 1/8 टीस्पून। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन। लहसुन को गोल्डन कलर हम आने तक भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लहसुन हमारा गोल्डन कलर का हो गया। अब इस तड़के को मैं डालूंगी सरसों के साग में। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब भी आप सरसों का साग सर्व करें तो आप उसको दोबारा से एक बार तड़का दें। तो ये लीजिए दोस्तों, आपका सरसों का साग रेसिपी तैयार है। आप इस सरसों के साग को मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ एंजॉय करें। तो दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये कैसी बनी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इजी टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।